बहुत अच्छा था। पहले मैं हमेशा थोड़ा नर्वस रहती थी स्टार्टिंग का, जब मुझे दादा ने, चिराग ने मुझे बताया था ये ऐसा सॉन्ग है, ऐसा करना है, मैं बहुत नर्वस हो गई थी। फिर चिराग ने मुझे, दादा ने मुझे मिल के समझाया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। तो मैंने किया, मैंने ट्राई किया, बट बहुत अच्छा लगा दादा के साथ काम करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट था, फर्स्ट वीडियो शूट था, मैंने बहुत अच्छे से किया, दादा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें करने के लिए। जब भी मैं नर्वस होती थी तो चिराग और दादा मुझे आके समझाते थे, नर्वस नहीं होना है, थोड़ा और ट्राई करेंगे तो होगा, बट मैंने ट्राई किया। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, आपको कैसा लगा कैसा नहीं। ये मेरा बेस्ट ट्राई था और मैं हमेशा अपने काम के लिए बेस्ट ट्राई करती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उससे ज़्यादा ही करती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? किससे? अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, करियर है ये, जैसे ये गाना है क्या तू मेरी है, इसमें सच में ही कुछ नहीं रखा है, इसलिए अपना करियर पर ध्यान दो। बट कहीं ना कहीं प्यार भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर करने वाला हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, होता है प्यार, जैसे मेरे सॉन्ग में था, जिससे मैं प्यार करती थी और जिससे रहा भी, शादी होने के बाद भी मुझे उसकी याद आती थी, वैसे ही सेम। जी मैं मुंबई में ही रहती हूँ, मीरा रोड में। एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था बट कभी मौका नहीं मिला। खाली चिराग मेरा फ्रेंड है तो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने किया। जेनिफर विंगेट वो मेरी फेवरेट है। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या तू मेरी है सॉन्ग के बारे में? बिल्कुल, क्या तू मेरी है, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या आपकी वाली आपकी है या आपके पीठ पीछे फिर वैसे ही फरवरी महीना अभी गया हुआ है, गुजरा हुआ है, ना जाने कितने लोगों की क्या तू मेरी है किसी और की हो रखी है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, इस गाने को आप लोग इसलिए देखिए कि क्या सच में वो आपकी है, इसको देख के कुछ तो अंदाज़ा लगेगा। वैसे तो ना जाने ऐसे कितने ही गाने आए हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप लोग देखिए और देख के बताइए आप लोगों का रिव्यू हुई मेन है। बिल्कुल, शूट तो हम लोग 2-3 दिनों में निपटा दिए थे इसका, बाकी लोकेशंस पे भी अच्छा शूट पे मज़ा आता था क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है पार्थो घोष दादा, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बहुत मतलब बड़ा था क्योंकि उनका नाम ही इंडस्ट्री में काफ़ी है, तो उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो सेट पर एक अलग ही माहौल बना देते थे दादा, क्योंकि वो बहुत ही एक जॉयफुल इंसान है, तो एक्टरों को ज़्यादा लोड लेने नहीं देते और मज़े में सब काम होता गया। जी हाँ, मैं इसके पहले मेरी एक हैदराबाद की मूवी रिलीज़ हो चुकी है जिसमें मैंने लीड विलन का रोल किया है, जो कि अभी OTT पे भी अवेलेबल है, MX प्लेयर पे, अजब तमाशा करके। जी अभी तो मेरी एक वेब सीरीज़ की शूट चल रही है, नाम तो अभी बता नहीं सकता सॉरी, और साथ में एक मूवी चल रही है शूट स्टार्ट होने वाली। बस भैया ध्यान दो अपने करियर पे, ये प्यार में कुछ नहीं रखा है, क्या तू मेरी है कभी तुम्हारी नहीं होने वाली, चाहे कितना ही टाइम लगा लो, 2 साल 3 साल 5 साल, भैया आखिर में वहीं जाएगी, समझ रहे हो? तो अपने करियर पे ध्यान दो, फोकस करो, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। थैंक यू। हमारे साथ ऑलवेज मेन टीम मेंबर पार्थोदा रहे हैं हमेशा, तो कोई मसला ही नहीं रहा है। ये तो यही नहीं, उनके साथ में फिल्म भी काफ़ी सारे कर चुके, जर्नी तो बहुत बड़ी रही है अभी तक, तो माशाल्लाह 80 से ज़्यादा फिल्म कास्ट कर चुका हूँ, यशराज में बैठ चुका, करण जौहर के साथ काम कर चुका, अब एक बड़ा न्यूज़ है मेरा, बहुत जल्द बताऊँगा, बंसाली जी के यहाँ भी काम कर रहा हूँ, उनकी भी कास्टिंग कर रहा हूँ, बाकी सब तो आप जानते ही हैं, गूगल करोगे तो सब गूगल बाबा है हमारे साथ। नहीं भाई, क्या तू मेरे लाइफ में तो 100% होगी और वो है, तो ये रिवील नहीं करना चाहता मैं इस बार को, बताएं बाकी और क्या क्वेश्चन है मीडिया के हमारे लिए। नहीं सर, मॉडल एक्टिंग में अगर 1% का भी इंटरेस्ट नहीं रहा लाइफ में, और इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे अगर कुछ ऐसा रहा तो, बट ये है कि कास्टिंग का काम बहुत ज़ोरों शोरों से करता हूँ और पैशनेटेड हूँ,
और एक चीज़ मेरी है, इंडस्ट्री में सब कहते हैं कि सिर्फ मैं शक्ल दिखा के एज बता सकता हूँ किसी भी लड़की की। ये मेरे लिए थोड़ा सा, बहुत सारा मीडिया कहता है, हमेशा कहता है, तो दिस इज़ प्लस पॉइंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। और आधा कुछ और बैंग करो, इससे अच्छा मैं पहले ही चले जाता हूँ। थैंक यू। हाँ, ये गाना एक एक्चुअली सैड रोमांटिक गाना है। गाना ज़्यादा जो लोग प्यार में कोई कारण से उनका सक्सेसफुल मिलता नहीं, सक्सेस नहीं मिलता प्यार में, उन्हीं लोगों के लिए गाने हैं। और यहाँ लगता है कि हमारे 90% लोग का प्यार सक्सेस होता नहीं है ज़िंदगी में, कोई ना कोई कारण से दोनों बिछड़ जाते हैं। उसी का स्टोरी लाइन के ऊपर एक गाना बनाया है। और गाने का लोग सब करीब करीब नए लोग ही हैं, बहुत ज़्यादा नॉन फेस नहीं है, पर गाना बहुत अच्छा है। गाने का अगर सुनते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे गाना आपको जहन पे उतरेगा। और वीडियो भी थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया है एक स्टोरी लाइन के ऊपर, जो गाने में शूट भी करता है। तो मुझे लगता है ये गाना भी अगर कई जगह से चले, और जनरली गाना सुनते सुनते भी लोगों को अच्छा लगना शुरू होता है, एक बार में ही सुनने से शायद कई गाना नहीं अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे बजते रहे, सुनते रहे। तो अभी बुलमैन इसको रिलीज़ किया है, आज से कई चैनल पे आएगा, मेनली यूट्यूब का चैनल पे आएंगे, तो हो सकता है गाना लोगों को पसंद आए और लोग इसको देखें, वैसे ही उम्मीद है। शूटिंग तो मुंबई में ही किए हैं, और कई दो तीन जगह मिला के हमने मुंबई में शूटिंग किया। देखिए, ये लोग करीब करीब अपकमिंग कई नए ही हैं लोग, तो इनको अगर गाने का थ्रू से लोग को पसंद आए तो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। नहीं, एक्चुअली इसमें उतना कोई बड़े कुछ चीज़ें नहीं था, और हमें आउटडोर भी नहीं था, हमारा मुंबई में ही किए, तो ऐसे कोई घटना नहीं हुआ जहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम्स हुआ या कुछ नए कोई चीज़ बोलने के लिए। जनरली फिल्म में क्या होता है, लंबा टाइम तक शूटिंग होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ घटनाएँ होते रहते हैं, पर ये ड्यूरेशन उतना लंबा नहीं था और सभी अपना कंट्रोल में था, तो इसमें कोई ऐसी कोई घटना नहीं है जो हम बोलने लायक है। नहीं, गाना देखिए, गाना अगर ये लोगों को पसंद आए तो फिर हम पार्ट टू के लिए जरूर सोचेंगे। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये यूट्यूब में आए और लोग अगर देखें और इसको पसंद करें तो हमारे लिए कामयाबी है। थैंक यू।